हिंसार में 80 साल की सास को बहू ने घर से निकाला, कपड़े गली में फेंके। अमिताभ बच्चन के सवाल का जवाब देकर डॉक्टर रविंद्र कोले और डॉक्टर सिंता कोले ने जीते 25 लाख रुपए। शाम 5 बजे जाने अपने परीक्षा शहर और तिथि, रेलवे बोर्ड करेगा लिंक एक्टिव। बीत गए इकोनॉमिक के बुरे दिन, अगले दोनों तिमाहियों में सकारात्मक रहेंगी आर्थिक विकास दर। हॉलीवुड अभिनेता जॉर्ज क्लूनी ने किया खुलासा, पूर्व राष्ट्रपति ओबामा की मुफ्त थ्रो शूटिंग में हुई थी पिटाई। वीकेंड का वार से पहले बिग बॉस 14 के लिए बुरी खबर, फिर मिस हुई टॉप 5 की लिस्ट। कर्नाटक में बनने जा रहा है लव जिहाद कानून। टीका आने से पहले गरमाई सियासत, कांग्रेस का सवाल, सभी को फ्री वैक्सीन उपलब्ध कराने के वादे का क्या हुआ। कश्मीर में कल की बिहार के लिए बुजुर्ग ने आज झेली ठंड की मार। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू बोले, प्रगति के लिए शांति जरूरी, इसके बगैर कोई विकास नहीं। जल्द ही जम्मू कश्मीर लद्दाख में वक्फ बोर्ड स्थापित किए जाएंगे। बीते 24 घंटे में देश में आए 36,000 नए मामले, 96 लाख पहुंचा आंकड़ा। उत्तर भारत में सर्दी के साथ बढ़ रहा है स्मॉग। एसएनसी लवलीन केस में एससी ने की सीबीआई की खिंचाई, सुप्रीम कोर्ट ने उठाए रुख पर सवाल। चीन की चालबाजी का बड़ा जवाब, ब्रह्मपुत्र पुल, आसियान के कई देशों को मिलेगा लाभ। तमिलनाडु के कई हिस्सों में हुई भारी बारिश, कमजोर पड़ा चक्रवर्ती बुरेवी तूफान। कुख्यात अपराधी बब्बू और छब्बू के बाद खजराना में एक और अपराधी की अवैध संपत्ति पे चला बुलडोजर। भारत में अब तक 90 लाख लोगों ने दी कोरोना को मात, संक्रमित मरीज का आंकड़ा 96 लाख के पार। मध्य प्रदेश में स्कूल खोलने पर शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, 8वीं तक के स्कूल के सत्र में नहीं खुलेंगे। मुस्लिमों को बहुविवाह की इजाजत देने वाले कानून को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई याचिका। भाजपा ने ओवैसी को दी मात, 48 सीटों पर दर्ज की जीत। पांचवें दौर की वार्ता आज, किसानों ने किया 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान। पीएम मोदी ने कहा, चंद हफ्ते दूर है वैक्सीन, देश ने सस्ते और सुरक्षित वैक्सीन पे जताया भरोसा। पैंगोंग झील में उन्नत क्षमता की नौकाएं, तैनात करेगा भारत, चीनी नौकाओं को देगा टक्कर। किसी भी प्रदेश में एक क्लिक पर हो सकेगी देश भर की अपराधियों की पहचान।